गाइज, हम हमारे डेली लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हें परीक्षा में असफल हो गए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे नौकरी मिल गई है, मेरे पापा को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं फर्स्ट रैंक में आया हूँ। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं विश्वास नहीं होना? सो विश्वास नहीं होना, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं कैंट बिलीव, कैंट बिलीव। चलिए इसको यूज करने की कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, इसके बाद आपको यूज करनी है कैंट बिलीव, इसके बाद दैट, दैट के बाद आप जो भी बोलना चाहते हैं, जो सेंटेंस होगा उसको लिख दिया जाएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने तुम्हें धोखा दिया। आई कांट बिलीव दैट सी चीटेड यू, आई कांट बिलीव दैट सी चीटेड यू। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम परीक्षा में असफल हो गए। आई कांट बिलीव दैट यू फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, आई कांट बिलीव दैट यू फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे नौकरी मिल गई है। आई कांट बिलीव दैट ही हैज गॉट अ जॉब, आई कांट बिलीव दैट ही हैज गॉट अ जॉब। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने ऐसा किया। आई कांट बिलीव दैट यू डिड सो, आई कांट बिलीव दैट यू डिड सो। मेरे पापा को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं फर्स्ट रैंक में आया हूँ। My father can't believe that I have come first rank. My father can't believe that I have come first rank.